नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकी। पिछले 20 दिसंबर को निर्वाचित हुए नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने आज अनुमंडलाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में लिया पद और गोपनीयता की शपथ। आज बाढ़ के अनुमंडलाधिकारी कुंदन कुमार ने नगर परिषद मोकामा, नगर परिषद बाढ़ और नगर परिषद बख्तियारपुर के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मोकामा नगर परिषद के मुख्य पार्षद नीलेश कुमार, उप मुख्य पार्षद नीतू देवी, बाढ़ पार्षद बेबी देवी, सोनी कुमारी और मनोज मालाकार ने सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ प्रक्रिया के बाद एसडीएम कुंदन कुमार ने विस्तार से सभी सदस्यों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में समझाया। उन्होंने वादा किया कि मोकामा नगर परिषद में जब कभी उनकी जरूरत होगी वह जरूर उपलब्ध होंगे। उन्होंने सशक्त स्थायी समिति के चयनित सदस्यों से आग्रह किया कि मोकामा को एक सुंदर स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करें, मोकामा को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प लें। जनता ने आप लोगों को बड़ी उम्मीद से जिताया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मोकामा नगर परिषद ने बदलाव की ओर रुख किया है। ज्यादातर निर्वाचित वार्ड पार्षद अभी युवा हैं, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद भी एकदम युवा हैं। आप लोग मिलकर मोकामा के लिए एक सुनहरा अध्याय लिखें। इस अवसर पर नगर परिषद मोकामा कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब मिलकर मोकामा को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा और मोकामा अपनी कहानी खुद कहेगा। मुख्य पार्षद नीलेश कुमार ने कहा कि हम सब एक सुनहरा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। युवा जोश से लवरेज हमारी टीम मोकामा के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलेगी। हमारी नीतियां मोकामा वासियों के हित में कार्यान्वित होगी। हमारा लक्ष्य है नगर परिषद अब आपके द्वार। हम घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे जैसे हम वोट मांगने के लिए जाते थे। उप मुख्य पार्षद नीतू देवी ने कहा कि मोकामा नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के साथ साथ हर नगरवासी को घर पर शुद्ध पेयजल पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद के ये नव निर्वाचित सदस्य अपनी बातों पर कितना और कब तक कायम रह पाते हैं। जनता को जुझारू और नई सोच के जनप्रतिनिधियों से ज्यादा उम्मीदें हैं। मोकामा ऑनलाइन इन सभी सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं देता है। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। Yeah.